एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था, उसका नाम रामू था। वह अपने खेतों में पूरी मेहनत और लगन से काम करता था। रामू के साथी भी उसी गांव के थे। उनका नाम लक्ष्मण, सीता और हनुमान था। ये चारों दोस्त साथ में हमेशा खेत में काम करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जब रामू और उसके दोस्त खेत में काम कर रहे थे, तभी रामू को खुदाई के दौरान एक पुराना संदूक मिला। रामू ने आवाज लगाकर सबको वहां पर बुलाया और बोला, भाई लोग ये देखो, मुझे खेत में खुदाई के दौरान किया मिला है। तभी लक्ष्मण ने कहा, ये तो कोई पुरानी संदूक है, पता नहीं इसमें किया होगा। हम लोगों को इसको नहीं खोलना चाहिए, क्या पता इसमें कोई सांप या कोई और खतरनाक जानवर हो। हम लोगों को इसे सरकार को सौंप देना चाहिए। फिर हनुमान ने सबको समझाते हुए कहा, तो भाई लोग, मेरे विचार से ये संदूक रामू के खेत से निकला है, क्या पता भगवान ने रामू के लिए कुछ सोचा होगा। आप सब सोचो, अगर इसमें कुछ खजाना मिल गया तो रामू का जीवन ही बदल जाएगा। अगर हम लोग सरकार को इसके बारे में बता देंगे और उसमें कुछ खजाना मिल गया तो रामू को कुछ मिलने से रहा। अगर तुम लोगों को संदूक खोलने में डर लग रहा है तो मैं इसे खोलूंगा। हनुमान ने हिम्मत करके जैसे ही खजाना को खोला, सबके आंखें खुली की खुली रह गई। संदूक ढेर सारे सोना, चांदी और हीरे जवाहरात से भरे हुए थे। वे सभी चौंक गए और सोचने लगे कि यह सब यहाँ कैसे पहुँचा। फिर उन्होंने सोचा कि शायद यह किसी पुरानी राजधानी का खजाना हो सकता है। तभी हनुमान ने रामू से कहा, यार रामू, तेरी तो लॉटरी लग गई। इसको बेचकर तो तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ये सब धन तुम घर ले जाओ। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दोस्तों, ये खजाना मैं नहीं ले सकता। तभी लक्ष्मण ने रामू को समझाते हुए कहा, रामू देख, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम बहुत ही मेहनती हो और तुम बिना मेहनत के कुछ भी स्वीकार्य नहीं करते हो। लेकिन तुम खुद ही सोचो, इतने सारे धन तुम्हें ही क्यों मिला, किसी और को भी मिल सकता था ना। शायद भगवान ने तुम्हारे लिए ही इसे तुम्हारे खेत में छोड़ा है, वो तुम्हारी मेहनत से खुश हो गए हैं। तभी सीता ने भी रामू से कहा, देखिए रामू भैया, अगर आप इस खजाना को नहीं ले सकते हैं तो फिर इसका क्या करोगे, क्या इतना सारा खजाना सरकार को दे दोगे। फिर रामू थोड़ी देर कुछ सोचकर बोला, क्यों न इस खजाने का उपयोग अपनी गांव के भलाई में लगा दें। अपनी गांव में स्कूल और अस्पताल की सख्त जरूरत है। गांव वाले को पढ़ाई और इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ इसको बेचकर गांव में एक अच्छा सा अस्पताल और एक अच्छा सा स्कूल बनवा दूं। अगर तुम लोग इसमें सहमत हो तो बोलो। तभी हनुमान ने खुश होकर बोला, यार रामू, मैं जानता था तू कुछ ऐसा ही करेगा। अरे इसमें हम लोगों की कभी ना हो सकती है भला। तुम्हारा ये फैसला बहुत ही अच्छा है। और यार रामू, ऐसा फैसला सिर्फ तुम ही ले सकता है। हमें गर्व है तुम पर। तुम्हारा ये फैसला गांव वालों की जिंदगी बदल कर रख देगी। लोग सदियों तक तुम्हारे इस उपकार को याद रखेंगे। हम लोग तुम्हारे साथ हैं, तो फिर चलो हम सब मिलकर बनाते हैं गांव का एक अच्छा भविष्य। उसके बाद सब लोग खेत से गांव जाते हैं और सोना चांदी का कुछ हिस्सा बेचकर गांव में स्कूल और अस्पताल का निर्माण करवाते हैं। बची हुई धनराशि का उपयोग कृषि विकास के लिए किया गया। इस खजाने के मिलने से गांव की स्थिति में काफी सुधार हुआ। रामू और उसके दोस्तों ने अपने गांव के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने आसपास के गांवों में एक नई पहचान दिलाई और सभी दोस्तों की खूब तारीफ भी हुई। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले इसके लिए बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सुंदर कहानी के साथ।